गाइस आप लोग देख सकते हैं उतर रहे हैं। ये अभी बोल रही थी कि बहुत खतरा है और देखिए ये यही राज्य ये सबसे पहले जाने के लिए, इसलिए हम और ये दोनों साथ में जा रहे हैं। ये देखिए अब डर गई, उतर नहीं रही है। इसको उतारना पड़ेगा आ जाओ आराम आराम से। ये देख सकते हैं आ गए हम लोग, अब चल रहे हैं किनारे पे, झील के बिल्कुल किनारे। देखिए फाइनली सही सलामत उतर गई है नीचे ये। देखिए गाइस ये कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत दिख रही है। देखिए पूरा ये नज़ारा, ये पानी का ये लहरें आ रही है यहाँ पे। देखिए ये लहर दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसी पानी यहाँ पे लहर रहा है, पानी आके यहाँ पे देख सकते हैं, ये लहरें उठ रही है पूरा। ये देख सकते हैं इधर पूरे लोग आए हुए, देख सकते हैं पूरे लोग इंजॉय कर रहे हैं इधर, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। और ये हमारे साथ हमारी जो टीम आई है ये लोग पीछे ही रह रहे हैं, ये देख सकते हैं। और ये साला राज पानी देख रहा है, उतार रहे हैं, चलते हैं पानी के नीचे। गाइस अभी हम उतार रहे हैं, चलते हैं पानी के नीचे, देखते हैं भाई कितना मजा आता है और कितना पानी है। ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, क्या पता पूजे के तरफ चले जाए फिर हमारा ये देख सकते हैं पानी के बीचों बीच में खड़े हैं। ये देखें बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। ये देखें किनारे पे, ये ज़्यादा अंदर जाएंगे तो गहरा है भाई, अंदर ही चले जाएंगे तो फिर वीडियो कौन बनाएगा, आप लोगों को ब्लॉग कौन दिखाएगा भाई। ये देख सकते हैं भाई क्या बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम निकलते हैं, ये देख ले एक बार और हम आपको इसका सिनेमेटिक सीन दिखाते हैं आप लोग। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं अपना, ये देख। फाइनली गाइस हम लोग झील की तरफ से आ गए हैं, अब चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर। अब आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़ का नज़ारा और ऊपर से पूरा कैसा व्यू दिखता है पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं क्या सलाह दिया, ये पीछे ही लग गया मेरे, ये मेरे पास से जा ही नहीं रहा है। ये देख सलाह दिया मेरे से, आगे देख सकते हैं वो गाइस देखें, ये देख सकते हैं पीछे पहाड़ पहाड़ देख रहे हैं पहाड़ भी है। और ये मेरा दोस्त है, ये भी पहाड़ जैसा ही है। ये क्या बोलते हैं दशरथ माझी का रिश्तेदार लगता है। ये देख सकते हैं इसने भी पहाड़ तोड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है। आपको पूजा करना हो तो आप पूजा करने के लिए नीचे जा सकते हैं भाई, और गहरा बहुत है भाई, जल्दी कोई जाता ही नहीं होगा वहाँ पे। अगर देख सकते हैं उतरने के लिए पूरा ऐसे खड़ा उतरना पड़ेगा, देखे। और चले अब ऊपर चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं गाइस ये मेरा दोस्त है, इसको लड़की बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक्चुअली इसने स्कूल में भी रिहर्सल किया था लड़की बनने का। एक मंदिर यहाँ पे भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं श्री धेश्वर महादेव मंदिर है, ये देख सकते हैं केरवा डैम का। और यहाँ पे ये देखें ये लक्ष्मण जी का फोटो है, ये देख सकते हैं। चले आगे चलते हैं अब, ये देखें यहाँ का नज़ारा। और ये जो आप सामने ये देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ से वाटर जाता है पानी सप्लाई के लिए, वहाँ पे पाइप लगा हुआ। चलते देखते हैं पास में दिखा दे आपको। गाइस देख सकते हैं ये पूरा इलाका पूरा पहाड़ है इधर, देख सकते हैं बहुत कम घर है, लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छी है, देख सकते हैं यहाँ भी पूरा बिजली की सुविधा। ये देख सकते हैं ये पानी के लिए एक्चुअली जहाँ पानी सप्लाई होता है ना मोटर चलाने के लिए ये लाइट है, देख सकते हैं। और इसके ऊपर बिल्डिंग्स भी है तो वहाँ भी यहीं से पावर सप्लाई होता है। ये देख के अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सुविधा काफ़ी अच्छी है एक इलेक्ट्रिक के लिए। और हम और देख सकते हैं यहाँ से अब हम ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर लिखा है ऊपर जाना सख्त मना है, अभी बंद कर दिया गया है। और ये देख सकते गाइस ये किसी और के स्कूटी पे बैठी है, और कोई आएगा तो इसको भगा देगा तो फिर इसको कैसा लगेगा। और ये क्या है भाई जोहर 105, यहाँ पे मस्जिद भी है शायद आ गई, देख सकते हैं लिखा है।
जोहर मस्जिद। भाई मछली मिलता है क्या यहाँ पे? कहाँ पे मारते हैं मछला? अरे भाई तुम तो मार के दिखाओ एक बार। यहाँ पे भाई मछली भी मिलती है, देख सकते हैं मछली मारने के लिए आ रहे हैं भाई। भाई गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं, तो ऊपर जाके दिखाना पड़ेगा तो, लेकिन ऊपर वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है ऊपर जाना सख्त मना है। ये देख सकते हैं आपको जूम करके दिखा रही है, देखें यहाँ पे लिखा है ऊपर जाना सख्त मना है। पहले यहाँ पे रस्सी था चढ़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा पत्थर है ना, अभी रस्सी वो टूट गया है ऊपर से नहीं है, इसलिए अभी जाना मना है। तो ऊपर अभी जा नहीं सकते हैं, तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, सॉरी इसके लिए। और बाकी आपको एक बार मैं इधर से दिखा देता हूँ, एक बार देख सकते हैं इधर से ये पूरा पहाड़ों के बीच में ये झील है, ये देखें पूरा कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देखें एक बार आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देख लें एक बार पूरा इसका व्यू, ये चारों तरफ से ही पहाड़ हैं पहाड़ है, देखें। चले अब चलते हैं आगे, हम ऊपर पहाड़ पे तो नहीं जा सके, लेकिन चलिए चलते हैं। यहाँ पे ये मंदिर एक दिख रहा है और सामने एक गुफा है, मैं गुफा को आपको दिखा रहा हूँ गुफा। और देख सकते हैं काफ़ी नीचे है, ये देख सकते हैं ऐसे तो पूरा खड़ा है, हमको ऐसे जाके उतरना पड़ेगा। देख मैं उतर रहा हूँ नीचे यहाँ से, आप लोगों के लिए रिक्स ले रहा हूँ, देखिए देखिए गाइस। तो नया से नीचे गया मंदिर के लिए और एक गुफा के लिए, इतना हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से हो गया। देख सकते हैं फाइनली हम नीचे आ गए हैं, ये देखें, और ये नीचे ये गुफा दिख रहा है, देखते हैं वहाँ पे जाने का रास्ता है कि नहीं। काफ़ी जंगल दिख रहा है वहाँ पे, तो लग रहा है जाना मुमकिन नहीं है। देख सकते हैं इधर है, जस्ट इस साइड देखेंगे इधर ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर के पास पहले चलते हैं उसके बाद गुफा देखते हैं, अगर जा पाएंगे तो आपको दिखाएंगे। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि जंगल है और फिर वायर भी है बिजली का, पता नहीं बारिश हुआ है कहीं करंट वरेंट लग जाए। सबसे पूरा पत्थर बिछाया गया है मंदिर के बाहर जाने के लिए, पूरा अच्छे से बनाया गया है। और इधर झील है तो यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं ऐसे यहाँ से उतर रहे हैं। वो वैसे ये मंदिर को देख सकते हैं बंद रखा गया है, अभी बंद है, यहाँ पर कोई नहीं जाता है, देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं हम मंदिर की सीढ़ी पे आ गए हैं, यहाँ पे हम जूते पहले उतने उतार देते हैं फिर ऊपर चलते हैं, क्योंकि भाई कुछ भी है तो वो मंदिर है, तो इसलिए जूते उतार कर जाना ही बेहतर रहेगा, उतार दे। अब हम मंदिर के सीढ़ियों पर जा रहे हैं, ये देखें ये मंदिर सीढ़ी पर चल रहे हैं ऊपर, और फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के पास। ये दिखाते हैं आपको, ये मंदिर बिल्कुल अभी तो बंद है, और यहाँ पे ये गुफा में, यहाँ पे ये देख सकते हैं गुफा में मंदिर को बनाया गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये शेरा वाली माता जो है उनका मूर्ति रखा गया है। और इस साइड ये देखें सफाई के लिए एक झाड़ू रखा गया है, ये यहाँ पे लगता है कोई सामान हुआ रखा गया हो इस पे काम करने के लिए, और इस पे वायर वायर ये उधर पंखा रखा हुआ है, पंखा जो ख़राब हो गया है, और यहाँ पे लाइटिंग की भी सुविधा है, ये अच्छा है भाई। इतना अंदर भी लोग आते होंगे पूजा करने के लिए तभी इसको बनाया गया है। और यहाँ पे एक और है शेरा वाली माता, ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा मूर्ति रखा गया है, ये देख सकते हैं। और इस साइड एक गुफा है, वहाँ पे जाने के लिए भाई वहाँ पे सॉरी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वायर है पीछे, और पूरा इधर जंगल है और ऊपर पहाड़ ये देख सकते हैं ऊपर, तो जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा, जैसे आप हो तो भाई दिक्कत हो सकता है, इसलिए नहीं जा सकते ऊपर। अब फाइनली ये आपको सब दिखा दिए यहाँ पे, अब चलते हैं आगे, अब दिखाएंगे आपको दूसरी लोकेशन, पहले यहाँ से निकलते हैं फिर बात करते हैं आगे। ये देख सकते हैं हम ये ऊपर कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, वहाँ से आए हैं, वो मेरा दोस्त खड़ा है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, ये देख सकते हैं कितना गहरा है, वहाँ पे मेरा शूज रखा हुआ है, चलते हैं। हेलो गाइस अब हम बाहर आ गए हैं, ये देख सकते हैं जो पीछे के साइड देख रहे हैं इधर पूरा पहाड़ है जंगल है, इधर बाघ घूमते रहते हैं, तो इसलिए इधर जाना अलाउ नहीं है। अब जा सकते हैं लेकिन आपको सावधान किया जाता है, इधर जाना अलाउ नहीं है। और इस साइड है ये पिकनिक, यहाँ पे अगर आपको पिकनिक मना सकते हैं यहाँ पे आके, ये पिकनिक भोपाल है। और जस्ट इसके बगल में इधर रेस्टोरेंट है सब, ये देख सकते हैं अगर आपको खाने पीने का हो यहाँ आ सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं, अब दूसरे जगह जाएंगे, अब हमारे दोस्त लोग पीछे छूट गए थे तो अभी वो लोग आ गए हैं, काफ़ी थक गए हैं और हवाएँ चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो देख सकते हैं बाल पूरा बिखर गए हैं। तो अभी हम आ गए हैं, ये देख सकते हैं बाइक स्टैंड में, और हमारे दोस्त भी आ गए हैं लोग, तो अब चलते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।